गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम अवनीश शर्मा, मेरे साथ सुष्मिता मैम। आज हम क्लास 9 सब्जेक्ट गणित अध्याय 2 बहुपद भाग 3 पढ़ेंगे। शुरू करें। प्रश्न नंबर 7 तक भाग 2 में पढ़ लिया था। प्रश्न नंबर 8, एक्स प्लस 1 किस बहुपद का गुणनखंड है ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन, x बराबर -1 रखेंगे, यदि 0 आ जाए तो बहुपद का एक्स प्लस 1 गुणनखंड है, अन्यथा नहीं। देखो, बहुपद एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए, एक्स बराबर -1 रखने पर -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। सॉल्व करेंगे, -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, 2 -2 बराबर 0। 0 आ गया, इसलिए x प्लस 1 बहुपद एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का एक गुणनखंड है। क्लियर। दूसरा, एक्स की घात 4 प्लस एक्स की घात 3 प्लस एक्स की घात 2 प्लस एक्स प्लस 1। सॉल्यूशन, एक्स बराबर -1 रखेंगे, सॉल्व करेंगे, -1 की घात 4 -1 की घात 3 -1 की घात 2 ऐसे शुरू करो। एक्स बराबर -1 रखेंगे, सॉल्व करेंगे, -1 की घात 4 प्लस -1 की घात 3 प्लस -1 की घात 2 प्लस -1 प्लस 1। सॉल्व करेंगे, 1 -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 बराबर 3 -2 बराबर 1। 0 के बराबर नहीं है।
इसलिए एक्स प्लस वन बहुपद एक्स की घात चार, एक्स की घात तीन प्लस एक्स की घात दो प्लस एक्स प्लस एक का एक गुणनखंड नहीं है। समझ आ गया? प्रश्न नंबर 9, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पहला 12x² माइनस 7x प्लस 1 कैसे सॉल्व करेंगे? देखो 12 गुणा 1 क्या मिला? 12। अब ऐसी संख्या सोचनी है, गुणा करने पर 12 आए और जोड़ने घटाने पर 7x आए। देखो 3 और 4 सॉल्व करेंगे, 12x² माइनस 3x माइनस 4x प्लस 1। 3x कॉमन लेंगे, 4x माइनस 1, माइनस 1 कॉमन लेंगे क्या बचा? 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 कॉमन लेंगे क्या बचा? 3x माइनस 1। समझ आ गया? दूसरा 2x² प्लस 7x प्लस 3, 2 गुणा 3 बराबर 6। अब ऐसी संख्या सोचनी है, गुणा करने पर 6 आए, जोड़ने घटाने पर 7 मिले। देखो 6 और 1 गुणा करने पर 6 आया और जोड़ने घटाने पर 7 आया। सॉल्व करेंगे 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3, 2x कॉमन लेंगे क्या मिला? x प्लस 3 प्लस 1 कॉमन लेंगे क्या मिला? x प्लस 3, x प्लस 3 कॉमन लेंगे क्या आया? 2x प्लस 1। समझ आ गया? कर लोगे? क्वेश्चन नंबर 10, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पहला x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2
पहले वाले प्रश्न में एक्स क्यूब नहीं था। यदि एक्स क्यूब आ जाए तो गुणनखंड कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले बहुपद का संभावित शून्य लेंगे, प्लस माइनस एक और प्लस माइनस दो। अब बहुपद एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस दो में एक्स बराबर एक रखेंगे, सॉल्व करेंगे, एक की घात तीन माइनस दो गुना एक की घात दो माइनस एक प्लस दो, सॉल्व करेंगे, एक माइनस दो माइनस एक प्लस दो, क्या मिला? जीरो। एक्स माइनस वन बहुपद का एक गुणनखंड है। अब एक्स माइनस वन से बहुपद में भाग देंगे। देखो, एक्स क्यूब लेंगे, एक्स लेंगे, भाग देंगे, क्या आया? एक्स स्क्वायर लिख देंगे, गुणा करेंगे एक्स माइनस एक से, क्या मिला? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, घटाएंगे, क्या आया? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस दो। माइनस एक्स स्क्वायर में भाग देंगे एक्स का, क्या मिला? माइनस एक्स लिख देंगे, गुणा करेंगे एक्स माइनस एक से, क्या आया? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, घटाएंगे, क्या मिला? माइनस टू एक्स प्लस दो। माइनस दो एक्स में भाग देंगे एक्स का, क्या मिला? माइनस दो लिख देंगे, गुणा करेंगे एक्स माइनस एक से, क्या आया? टू एक्स प्लस दो, घटाएंगे, क्या मिला? जीरो। एक्स माइनस एक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस दो बहुपद के गुणनखंड है। अब देखो, इसको हम हल करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस दो, ऐसी संख्या सोचनी है, गुणा करने पर दो आ जाए, जोड़ने घटाने पर एक आ जाए। देखो, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू, सॉल्व करेंगे, एक्स माइनस एक एक्स कॉमन लेंगे
एक्स माइनस दो प्लस एक कॉमन लेंगे एक्स माइनस दो, एक्स माइनस दो कॉमन लेंगे क्या मिला एक्स प्लस वन। तो गुणनखंड क्या है एक्स माइनस एक एक्स माइनस दो एक्स प्लस एक, समझ आ गया कर लोगे घर पे जाके इन प्रश्नों का अभ्यास करना है। देखो गुणनखंड ज्ञात कीजिए, समझ आ गया। ओके थैंक यू।